हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको एक लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं। क्या ये सभी लैपटॉप्स में आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है, जैसा आपका लेनोवो का भी लैपटॉप हो, एसर का लैपटॉप हो, आसूस का लैपटॉप हो, किसी भी कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, जो आजकल लैपटॉप आ रहे हैं 10th जनरेशन के आ रहे हैं। 9th में तो 9th जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं था, 10th जनरेशन में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम विंडो वगैरह करते हैं दोबारा से तो हमारा टच पैड काम नहीं करता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है आजकल सभी मॉडल्स में है। ये आपका लेनोवो हो, डेल हो, एसर हो, कोई भी लैपटॉप हो एचपी का, तो प्रॉब्लम क्या करता है कि आप विंडो वगैरह जब हम इंस्टॉल करते हैं एसएसडी लगा के या कुछ भी करके, अभी हमने इसमें एक लैपटॉप में लेनोवो में एसएसडी लगाया था और एक आज हम एसर में एसएसडी लगा रहे हैं, तो ये 10th जनरेशन प्रोसेसर है। तो क्या हो रहा है, इसमें हम जब विंडो करते हैं, विंडो करने के बाद इसका टच चलना बंद हो जाता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जा रही है, मोस्टली मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रही है, 10th जनरेशन पे ही ये प्रॉब्लम है। तो इसमें कारण क्या होता है, यहाँ आपको आज बताते हैं इसमें कारण क्या होता है। इसमें होता है सर ड्राइवर का इशू। इसका ड्राइवर जो होता है वो प्लग एंड प्ले नहीं होता है, टच का ड्राइवर जो आजकल की मशीनें आ रही हैं, जो सीपीयू आ रहे हैं ये 10th जनरेशन i3 हो, 5 i5 हो, i7 हो, जो भी 10th जनरेशन में प्रोसेसर आ रहे हैं, इससे पहले के जो भी सीपीयू की जो भी जनरेशन थी उनमें क्या होता था, टच का ड्राइवर प्लग एंड प्ले होता था कि आपने ड्राइव विंडो वगैरह किया और विंडोज आपकी विंडो के साथ ही आपका टच भी काम करना शुरू कर देता था। और आजकल जो मशीनें हैं उनमें क्या होता है कि बस आपका टच का ड्राइवर दोबारा डालना पड़ता है, आपका ड्राइवर टच का ड्राइवर प्लग एंड प्ले नहीं होता है, तो इसलिए इनमें ये प्रॉब्लम आती है इन मशीनों में। जब आप भी यानी इसको करेंगे, आप विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन में, तो आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे आने वाले समय में, क्योंकि 10th जनरेशन है अभी आई है ये थोड़े समय बाद। तो अब जैसे जैसे हम विंडो वगैरह इसमें इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल दोबारा करते हैं, तो हम ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए हमने आपको आज देखा कि ये एक प्रॉब्लम कस्टमर के लिए है, तो इसका हमने एक वीडियो बना के डालने के लिए आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम यही होती है कि इसका टच पैड का ड्राइवर प्लग एंड प्ले नहीं होता है, इस वजह से ही आपका विंडो डालने के बाद आपका टच चलना बंद हो जाता है। तो जैसे कि अभी हम मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि अभी हमने मशीन रेडी किया था, ये एसर का एस्पायर 3 315 मॉडल है, ये 10th जनरेशन मशीन है। अभी जैसे हमने इसमें विंडो कंप्लीट किया है, अब हम इसको देखते हैं, हमारा टच मूव नहीं कर रहा है। कारण क्या होता है इसका कि हम देखो अब हमारा टच मूव नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ड्राइवर प्लग एंड प्ले नहीं होता है, इसमें हमें इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है विंडो के करने के बाद, तब हमारा ये मशीन चलेगा। उसके बाद हमने इसमें डाला और तो ये हमारी मशीन चल गई है, ये हमारा कर्सर काम करना शुरू कर दिया। आप देखोगे सब प्रॉपर चल रहा है स्मूथ। तो ये इस प्रकार की ये प्रॉब्लम अब आप आने वाले समय में फेस करोगे इसमें, तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप इसका ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करो। ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे इसके इनके ड्राइवर मिल जाएंगे सभी मॉडल के, एसर हो, लेनोवो हो, एचपी हो, डेल हो, किसी भी कंपनी का कोई सा भी मॉडल, कोई भी मॉडल हो आपका लैपटॉप का, उसमें आपको ड्राइवर इसका हाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मिल गया है। आगे जो भी आपकी जो भी मशीनें होती हैं, 9th जनरेशन तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी 3rd, 4th, 6th, 7th जनरेशन कोई भी जनरेशन ले लो, ये प्रॉब्लम नहीं थी। 10th जनरेशन पे हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपकी मशीन रेडी हो पाएगी। आपको हमारा वीडियोज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपको किस तरह यूजफुल होता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।